समस्त को नमस्कार सांबादिक सम्मेलन को स्वागत करुच्ची। राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति संपूर्ण भाव भुशुड़ी पड़ी। एक गत किछि दिन हबो जेबे थारु नुआ सरकार आसिलाणी गोटे परे गोटे महिलांको उपरे अत्याचार आक्रमण ए सबु विभत्स घटना लोकलोचन को आसिले भी सरकार प्रशासन कौनसी प्रकार महिला को सुरक्षा दबार पदक्षेप नेबार देखा जाऊना। यही दुई तीन दिन भितरे चार दिन भितरे खोर्धारे गोटे छोटो झियो उपरे दुष्कर्म, भुवनेश्वर रे जड़े कुनी पिला को तीन वर्षर पिला को दुष्कर्म एवं जड़े महिला थाना को आसीथिले तांकर एफआईआर दबा पाई कि ताकू रुजु नकरिबा तांकू अशोभनीय कथा कही गाली गुलोज करी अत्याचार करी तांकू विदा करिबा। ये सबू कथा साधारण रे साधारण जनसाधारण को विव्रत करिछि। किंतु सबुठ बड़ दुखद एवं दुर्भाग्यजनक कथा जे बालेश्वर निर्वाचन मंडली रेमुणा असेंबली स्थित नुआपाढ़ी पंचायत रे रसलपुर गाँवर गोटे 10 वर्षर आदिवासी नाबालिका झीर अत्यंत विभत्स भावरे दुष्कर्म एवं हत्यार घटना लोकलोचन को आसी। ये घटना 27 तारीख दिन घटिला। गत मंगलवार 27 तारीख दिन झियो ता घरु निखोज हेला एवं घर लोक थाना रे एतला देला परे मध्य पुलिस कौनसी प्रकार कार्यानुष्ठान नेला नाही। 3-4 दिन बीतीगला। 30 तारीख दिन जेतेबेले सब पड़िकी बाहरे पदारे पड़िकिरी दुर्गंध हला स्थानीय लोक जानिबाकु पाइले सेतेबेले पुलिस आसिकिरी खोजा खोजी करिकिरी तार मृतदेह जो जहाँ विभत्स भावरे से मृतदेह पड़िकी पची सढ़ीकिरी जो अवस्था रे थिला ताकु उद्धार कले। एवं ये घटना याकु संपूर्ण भावरे राज्य सरकार प्रशासन को लगे के घटना को चापी दबा को सब प्रकार उद्यम करुचंती। 30 तारीख दिन विजु जनता दलर तरफ मु मो सहित जिलार सभापति ज्योति प्रकाश पाणिग्राही स्थानीय जे निर्वाचन विधानसभा लड़ी थे रेमुणार विद्यास्मिता महालिक एवं से सरपंच अच्छा युव नेता शुभेन्दु मंगराज स्थानीय सरपंच समिति सभ्य एमती आमे किछि जण से जगह को जाइलु। सदर पूर्वतन विधायक स्वरूप कुमार दास भी उपस्थित थे। आमे जाकि से झीर घरे पहुँचल एवं जहाँ परिस्थिति देखल मु आपण आगे कहवाक चाहूँगी जे सरकार बीजेपी सरकार केमती महिला मानंकु गरीब लोकंकु एवं विशेष भावरे आदिवासी लोक मानंकु अवहेला करिछि। ये घटना जदि जो दिन ए परिवार देले तांकर एफआईआर जो दिन से माने थाना रे एतला देले जदि सेई दिन पुलिस कार्यानुष्ठान नहीं थांता हुएत से झियर झियो जीवित थिबा अवस्था रे उद्धार हे पारिथाता। मंगलवार रो घटना किंतु शुक्रवार दिन पुलिस खोजाखोजी आरंभ कला एवं ता मृतदेह पाइले। 2-3 दिन से माने पूरा नीरव होकी रहिले। द्वितीय कथा रेमुणा निर्वाचन मंडली रो विधायक भारतीय जनता पार्टी रो दलीय डेपुटी चीफ व्हिप सी मध्य ए घटना सुनिला परे भी थरे मध्य से झियर परिवार को जाई नहंती ताकु भेटी नहंती तांकु समवेदना जणई नहंती कि कौनसी प्रकार कंपेनसेशन दबार मध्य कथा को आगे नहीं नहंती। स्थानीय सांसद मध्य भारतीय जनता पार्टी रो एवं सबुठ दुखद कथा हला राज्यर मुख्यमंत्री जणे आदिवासी संप्रदायर सदस्य व्यक्ति एवं देशर प्रधान देशर राष्ट्रपति मध्य जणे आदिवासी महिला एक कथा को
भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्केटिंग करुची एवं लोकंकु कहुची जे आमे आदिवासींको पाई कि केते समर्पित केते संकल्पबद्ध तांकु नेकि देशर सर्वोच्च सांविधानिक पदवीरे बसौछु। पदवीरे बसैबार अर्थ नुहे जे तमे साधारण आदिवासी लोकंकु अवहेला करिव। ओडिसारे 23% आदिवासी लोक थिबा बेले ए भली जो घटना ये आदिवासी को प्रति चरम अवहेलार निदर्शन बोली मु कहिबी। पुलिस प्रशासन उपरे चाप पके कि कथा को चापी दबा, स्थानीय गणमाध्यम रे कथा को बाहर न करै दबा, लोकलोचन को कथा न आसु एभली गोटे परिस्थिति सृष्टि करिबा, मुख्यमंत्री ए विषय अवगत नाहंती बोली मो पाखरे स्पष्ट प्रमाण मध्य रहिछि। सेई दिन 30 तारीख दिन जो दिन झियर शब उधार है सेई दिन मुख्यमंत्री रेमुणा निर्वाचन मंडली जीवार कार्यक्रम थिला, किंतु ए घटना सुनिला परे बा जानिला परे कि तांकर उपदेष्टा माने एडवाइजर माने कहिथिबे जे सेठी की जानतु नाही, जोति पई से गले भी नाही से जगह को कि से परिवार लोकंकु भेटिले नाही। झियो जेहेतु नाबालिका 10 वर्ष तेणु तुरंत पोक्सो एक्ट रे ताको परिवार को 10 लाख टंका मिलिबार व्यवधान रहिछि, व्यवस्था रहिछि 5 लाख तुरंत इमीडिएटली आउ 5 लाख जेतेबेले रिपोर्ट फाइनल दाखल होबो सेतेबेले याको कार्यकारी करिबा पई कि प्रशासन तरफ रु कोनोसी प्रकार कार्यानुष्ठान आमे देखु नाहू। एबे मध्य तदंत करकी असल दोषी किए ताको भी खोजिबार कोनोसी प्रकार सेठी पुलिस रो किछि एक्टिविटी मध्य देखा जाउ नाही। जड़े व्यक्ति को धरिकी ये दोषी बोली कहते हे भी थाई पारे जना ना तदंत तो जिते ठीक भाव में हम से जना पड़ परिवार वर्ग को आम जिते भेटिलु आम जानलु जे से तदंत तो प्रक्रिया दोषी को धरवा झील कौटी अच्छी निखोज हो अवस्था अच्छी खोजापी कि पुलिस तरफ कौन सी तत्परता ना कि कौन सी आग्रह ना जितेबले शब गंध हो चारे गोटे वातावरण खराब है से पुलिस मुभमेंट कला। आउ गोटे बड़ कथा से पूरा अंचल देशी मदरे भासुच 90 भाग लोक से 24 घंटा निशार प्रभाव रे रहुचंती। जो व्यक्ति ये घटना घटेले बा जो माने ये घटना घटेले निश्चित भाव रे निशाग्रस्त थिबे बोली स्थानीय लोक जहाँ कहउचंती आमको आखपाखर जो गाँव रोक मैंने से गाँव रोक मैंने आसिक भेटिले आम प्रतिनिधिमंडल को से माने मध्य स्पष्ट भाव में कहले जे निशा जो एभली कांड होकू बंद करेबार व्यवस्था करंतु, किंतु राज्य सरकार निशा को लेकर कौन सी स्पष्ट पॉलिसी ना निर्णय नहीं पारती डिली डाली करुँच गोटे कथा कौन का गोटे कथा कौन आहरी मद लाइसेंस खोलुंच चिकिटी में मद को लेकर तीन जन मृत्यु है भी सरकार निद भांगुनी। ये सब कथा इंडिकेट करुच्चे राज्य सरकार राज्यर बीजेपी सरकार तांकर डबल इंजन रो सरकार राज्य रे भी केन्द्र रे भी किंतु केवल मुख्यमंत्री थरे अधे डाकिकरी डीजी आउ चीफ सेक्रेटरी को जे पुलिस लोकों संगे संवेदनशील हो ठीक भावरे व्यवहार करूँ ये रचनात्मक कथा कहले हम ना लोकं न्याय दबापाई कि ग्राउंड रे पुलिस जाई तदंत करी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिबा पाई कि गोटे आग्रह थिबा दरकार आउ प्रतिश्रुतिबद्धता थिबा दरकार जोटा देखिबा को मिलुनाई। आज भी बीजेपी रो सरकार ओडिसा रे तांकर हनीमून पीरियड मनाउचंती 3 मास हेगला कोठी ए हनीमून एते लंबा समय एक्सटेंड करे नाई। आ मते लागुची ये 5 वर्ष काल सेई कथा ही खाली निजो को निजो पिठी निजे थापुडे कि केते बढ़िया काम कर देचंती सरकार को आसिकिरी एई कथा को गाई 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 ही 5 वर्ष कटेबे। मोर अनुरोध केवल नुहे आम दलर दाबी मध्य ये सरकार निद भांगु सरकार तुरंत एभली विभत्स घटना कहीं घटला किए घटेला दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट रे दंडित करेबार व्यवस्था हो बा परिवार को 10 लाख टंकार जो इमीडिएट कंपेंसेशन तार ताकू जोगे दबार कथा हो एवं विशेष भाव जेहेतु आदिवासी वर्गर नाबालिका झियो तेणु केवल से गोटे आइसोलेटेड केस नुह सब आदिवासी वर्गर समस्त झील मानकर सुरक्षा पाई कि राज्य सरकार ठोस पदक्षेप नियंतु नाबालिका मानकर सुरक्षा पाई कि पदक्षेप नियंतु
देशी मद एवं एभलिया जो बेआईन मद कारबार रैंपेंट भाबरे राज्य रे बन्या भलिया व्यापी ताकू रोकिबार पदक्षेप नियंतु एवं मु आपण मानक आगरे कहिबाकु चाहूची जे मो महामहिम राष्ट्रपति निमंते गोटे चिठी मध्य लिखी जोटा मो मेल माध्यम रे ऑलरेडी पठे सारी एवं ताकू पोस्ट मध्य याकू करी एतरे मो महामहिम को निवेदन करी जे मैडम जेते बड़े झारखंड रो गवर्नर थिले सेते बड़े आदिवासी अंडर ट्रायल मानक पाई कि बहुत काम करी थिले एवं केमते न्याय प्रक्रिया त्वरित होकरी जो माने प्रकृतरे न्याय पाई कि बार द्वार सुंडीपिंडा होचंती तांकू केमती शीघ्र न्याय मिलिबो ए दिगरे बहुत काम करथिले एवं जेहेतु से निजे जड़े आदिवासी एवं जड़े महिला देशर सर्वोच्च सांविधानिक पदवी रे बसिचंती ए कथा को कॉग्निजेंस को नेबे निजे व्यक्तिगत भावरे एथरे इंटरेस्ट देखे कि ए घटना को गोटे एग्जांपलरी हिसाब रे नेकरी ओडिसा रे आदिवासी मानंक उपरे होतुबा जो शोषण एवं असुरक्षित अवस्था रे झियो माने नाबालिका माने महिला माने जो अछंती यार ए वर्ग को न्याय दबा पाई कि से निजे हस्तक्षेप करंतु ओडिसा रा मुख्यमंत्री भी जणे आदिवासी किंतु आदिवासी वर्गर अधिकार पाई तांको न्याय दबा पाई कि तांको तरफ रु कोनोसी प्रतिबद्धता आमे देखिबा को पाऊ नाहु कोनोसी आग्रह भी नाही ए सरकार रे तांकर मुख्यमंत्री एबे जेंके भी जाई नाहंती से जगह को स्थानीय विधायक जाई नाहंती सांसद जाई नाहंती महिला शिशु विकास मंत्री जाई नाहंती ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जाई नाहंती तो केही तो जाई नाहंती से आदिवासी नाबालिका झियो घर को ताले ये न्याय कोउ पटु देबे कोनो एटी उपरे थर्ड फ्लोर रे बसिकरी डीजी को खाली इंस्ट्रक्शन देबे जे तुम लोकन को संगे भलो व्यवहार करो सेतरे न्याय मिलबो लोकन को तेणु ये सरकार आदिवासी विरोधी ए सरकार महिला विरोधी एवं ए सरकार छोट छोट पिलांकर भी विरोधी आउ सब जदि संवेदनशील थांती ताले केवल अपराध प्रति संवेदनशील अछंती अपराधी प्रति संवेदनशील अछंती एवं देशी मद कारबार करूतुवा लोकन को प्रति जथेष्ट संवेदनशील अछंती बीजेपी सरकार बोली स्पष्ट भाव रे जणा पडुची तेणु आमे दाबी करूचू जे परिवार को यथा शीघ्र न्याय मिलू आउ एभली घटना केमती आउ आगु को न घटिबो ए यार ग्यारंटी मध्य ये सरकार दो घर 3 किलोमीटर बाट नुआपाढ़ी पंचायत रसलपुर गाँ जोटी आम जाइलु विजु जनता दल जाकि पहुँची पार्ला से दिन विधायक थिले भी निर्वाचन मंडली रे से दिन मुख्यमंत्री भी जबार थिला से निर्वाचन मंडली को कौन पाई गले ना जदि सी गले कौ प्रतिनिधि को पठे थे कि कहीं घटना घटला निज निर्वाचन मंडली गोटे आदिवासी नाबालिका झीर हत्या दुष्कर्म होटा विधायकों दायित्व नुहे कि आ जी दोषी ताकू दंडित कराऊ जो दलर है तो आम कौ कि दलर कि से दलर आम तो कौ दलर बोली कौन महिला उपरे झीटे उपरे नाबालिका आदिवासी झीओ उपरे दुष्कर्म है यार तदंत तो होकरी झीओ को झीओ परिवार को कंपेनसेशन एवं दोषी को दंड मिलवा कथा ना ना ए प्रश्नर उत्तर विधायक रखत देखु ऑलरेडी ए कथा को लेकर रेमुणारे गोटे आंदोलन आरंभ हो सारी ए कथा को आज आम प्रेस मीट माध्यम रे पूरा 4.5 कोटी ओडिया को अवगत एथरे करेलु आगामी दिन में जो भी महिला एभली जघन्य कांड हम से मु व्यक्तिगत स्तर में जाचबी एवं दलर कौनसी ना कौनसी महिला नेत्री आउ दलर संगठन जैकि सेठी पहुँचव तार प्रतिवाद कर महिला सुरक्षा दबार दायित्व विजु जनता दल नहीं नब मध्य कौन कहले ना ना कौन कौन घटना कौन हाँ कौटी कल मैं किसी प्रमाण आप पाखे अच्छी कि कौन अच्छी ना ना शुणु एक तो ये रिलेटेड इनसीडेंट नुहे
ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ଯେ କିଏ କିଏ କରୁଛି ଏଇଟା ନ ଜାଣିକିରି କହିବାଟା ତା ଉପରେ କହିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ସରକାର ବଦଳି ସାରିଲାଣି। ନୂଆ ସରକାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି, ଡବଲ ସଶକ୍ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି ବା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ଏବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଥମେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇଲେ ଲୋକେ ବି ହସିବେ ଏଇ ସରକାର ଉପରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମାଜରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରକାର କଥା। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇକି ଆଣିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହା ଉପରେ ଥୋକିକିରି ଶାସନରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି, ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ସେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଦାବି କରିବି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଘରକୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୁଝିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛେ କଥାରୁ, ମୁଁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବି ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା କହିବା କଥା ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି କହିଛୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହା ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ।